फौजियों के एम्बुश में फंसकर 3 जवान शहीद हो गए हैं और क्रॉस फायरिंग की चपेट में आने से एक नाबालिग आदिवासी युवती की मौत हुई है। वहीं एक नाबालिग युवती बुरी तरह से जख्मी हो गई है। घायल युवती का इलाज जिला चिकित्सालय बीजापुर में चल रहा है। बीजापुर के केश कुतुल मार्ग पर सुबह सीआरपीएफ जवानों की बाइक पार्टी पर माओवादियों ने एम्बुश लगाकर हमला किया था। जवाबी कार्रवाई करते हुए जवानों ने भी फायरिंग शुरू की। करीब आधा घंटे चली इस मुठभेड़ में सीआरपीसीएफ 199वीं बटालियन के 3 जवान मौके पर ही शहीद हो गए। वहीं एक जवान भी जख्मी हुआ है। शहीद जवानों के नाम ओपी सांझी, मदनलाल, महादेव पाटिल बताया जा रहा है। जिस जगह पे मौजूद है यहाँ तकरीबन 10:30 बजे एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था पुलिस और नक्सलियों के बीच, जिसमें दो सीआरपीएफ 199 के जो जवान है वो शहीद हो गए थे। और जो अभी जानकारी निकल कर आ रही है, एक जवान जिसको मेडिकल कॉलेज के लिए बेहतर उपचार के लिए भेजा जा रहा था, वो भी गीदम के आसपास जो शहीद हो गए। ये जो पूरा इलाका है जहाँ अभी हम मौजूद है, ये इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना संवेदनशील इलाका है। यहाँ सीरियल जो आईडीज है उसको नक्सलियों ने प्लांट किया हुआ था। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो नजारा देख रहे हैं, ये वही पूरे इलाके हैं जहां पे आईडी प्लांट करके रखे हुए हैं। मेरे दाहिने तरफ आप देखिए, ये वो जंगल है जहां से नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। जवाबी फायरिंग में जो नक्सली यहां से भाग निकले थे, लेकिन जो खून के धब्बे हैं वो यहां पर मौजूद हैं। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कई जो नक्सली हैं वो इसमें मारे गए हैं। जब ये मुठभेड़ हो रहा था, इसी बीच इस तरफ से केशकुतुल की तरफ से भैरमगढ़ बाजार करने के लिए पिकअप बहुत तेजी से निकल कर आई थी, जो इस मुठभेड़ की चपेट में आ गई और उसमें एक जो युवती नाबालिग युवती थी उसकी उसमें मौत हो गई और एक नाबालिग जो युवती है वो घायल है। अब बताया जा रहा है कि ड्राइवर की चालाकी की वजह से वो जो नाबालिग युवती है वो बच पाई है। मेरे बाएं तरफ मैं आपको एक पेड़ दिखाना चाहूंगा, ये वही पेड़ है मुठभेड़ के बाद जब एक जवान अपने आप को बचाते हुए उस पेड़ के पास पहुंचा था, लेकिन आखिरकार उनकी भी यहां पर मौत हो गई है। लगातार मुठभेड़ों का खेल जो है वो बीजापुर में चल रहा है। लगातार नक्सली जो है पुलिस को टारगेट करते रह रहे हैं और पुलिस भी मुस्तैदी के साथ नक्सलियों को कड़ा मुकाबला करती है, उनको पीछे धकेलने का काम वो लगातार यहाँ पर जारी है। पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पूरे इलाके का मुआयना कर रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे सीरियल आईडी लगाए गए हैं, उन सीरियल आईडी को डिफ्यूज करने के लिए जो बीडीएस की टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची है। इस वक्त ग्राउंड जीरो से मैं पवन दुर्गम, स्वराज एक्सप्रेस, बीजापुर। नसीगढ़ में मुस्लिम समाज के लोगों ने